झांसी समेत पूरे बुंदेलखंड की प्यास जल्द ही बुझने जा रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की शुरुआत होने वाली है। इस योजना के तहत बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जाएगा। हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही सभी लोगों के घर तक पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा। इस योजना से झांसी मंडल के 4.5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। हर घर नल से जल के लिए दशकों से इंतजार कर रहे ग्रामीणों का अब इंतजार धीरे धीरे खत्म होने वाला है। आपको बता दे चले कि मऊरानीपुर तहसील के कुरेक्षा गांव में जल जीवन मिशन के तहत बनाए गए ट्रीटमेंट प्लांट में सपरार बांध से पानी प्लांट में आया। इस प्लांट से 74 गांवों के करीब 29,000 लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने पूरे ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि झांसी के 10 गांव के 3,000 गांवों में जल्द ही नल से जल पहुंचेगा। साथ ही कहा कि पावर प्लांट का इंटीमेशन सपरार बांध से हुआ है। इस बांध से पानी को साफ कर किसानों के घरों में पानी नल से पहुंचाया जाएगा। आगे शासन स्तर से हर घर नल से जल योजना के तहत जो लक्ष्य मिला है उसको अगले साल मार्च या अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। आज शुभ दिन है जब इस जो योजना है इसका कमीशनिंग हुआ है, मतलब सपराट डैम से इंटेक के माध्यम से यहाँ पानी आया है और ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसका टेस्टिंग किया जा रहा है। अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे कि 74 में से 10 गांव में लगभग 3,000 घरों को सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। तो ये अच्छा न्यूज है। लोग बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे घर तक नल के माध्यम से पानी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए बहुत संवेदनशील थे। उन्होंने जनपद में स्वयं जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत अन्य योजनाएं हैं उनका स्वयं खुद जाके भ्रमण किया है और हमने भी पूर्व में यहाँ भ्रमण किया था। तो ये अच्छी बात है कि आज शुरू हुई है। मैं यही चाहूँगा कि जो IHP है, इंडियन ह्यूम पाइप, जो इसकी कार्यदायी संस्था है, वो जल्द से जल्द, अभी तो 10 ग्राम में पानी सप्लाई कर रही है, बाकी बचे जो 64 गाँव हैं उसमें भी जितना जल्द से जल्द हो पानी सप्लाई शुरू कर। वहीं रणविजय सिंह ने बताया है कि इस योजना के तहत 74 गांवों को लाभ मिलेगा और इस योजना के तहत 29,000 घरों के कनेक्शन किए जाएंगे। साथ ही रणविजय सिंह ने बताया है कि 10 गांव के 3,000 लोगों के घरों में जल्द पानी दिया जाएगा। ये कुरेचा जो योजना है इसमें टोटल 74 गांव है और लगभग 29,000 कनेक्शन होने हैं। अभी जो इनिशियली 10 गांव में पानी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें 3,000 कनेक्शन में पानी चलाना शुरू कर रहे हैं और ये लगभग मार्च से अप्रैल तक 100% कम्प्लीट हो जाएगी। पार्शियली कम्प्लीशन स्टार्ट किया है। ये लगभग 74 गांव में पानी जाना है। टोटल जो परिवार हैं 29,000 है जी। सर ये कितने की लागत से सर बना हुआ था? ये 208 करोड़ की परियोजना है। कब तक सर पूरा होना है? ये अप्रैल तक 100% हो जाएगा। भारत में आजादी के बाद पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस योजना से महिलाओं में खुशी की लहर है। हर घर तक पानी पहुंचने से महिलाओं को सबसे अधिक फायदा होगा। अधिकारियों के अनुसार काम तेजी से चल रहा है। मार्च और अप्रैल माह तक सभी गांवों में स्वच्छ जल पहुंचना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बुंदेलखंड क्षेत्र पर अधिक फोकस है। इस योजना की शुरुआत भी झांसी से की गई थी। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए झांसी से अखिलेश राज की रिपोर्ट।